राम राम जी सारे ने। तो भाई आज है तारीख 3 और 2 तारीख ने कोई व्लॉग नहीं आया, तो स्टार्टिंग कर दी है आज बिल्कुल सुबह तय। और मैं बनाने लग रही हूँ सुबह की चाय, तो सफ़ेद सफ़ेद सी है, तो थोड़ा सा दूध था उसमें पत्ती गेर ली थी मैंने, मतलब दूध में पत्ती गेर ली थी, तो एक मग अपना जो दूध है वो ले लिया था मैंने। फिर उसमें पत्ती भी धीमी आँच पे इसने बढ़िया ज़्यादा पकाऊँगी तो लाल कलर छोड़ देवेगी। और फिर यह थोड़ी सी क्लिप ली थी मैंने जब दिल्लू आया था, जबकि तो ड्यूटी पर तो आया था सुबह, तो थोड़ी सी क्लिप निकाल ली थी। फिर मैंने बच्चे सारे खुश हो रहे थे देख कर ने, और वीडियो में देखते देखते भी लाइक कर दियो, चैनल ना सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए जो भी भैया नया बंदा जुड़ा है। और उसके बाद फिर रजनी लगी थी सूट सीमण, मतलब सलवार सीम दिया फिर मेरी, कुर्ते मैं सीम लो सलवार नहीं सीम दे, मारे भाई जल्दी भी सिम जावे हैं। और फिर एक आदमी है ना बोर भी ना हुआ है, तो फिर बिरानी क्यों मशीन की जो सुई है वह टूट गई थी, 2-3 बार कर लिया, मतलब जो पोंचे बनाव है उसमें अटक सी जा रही है, लेकिन कुछ नहीं होता, मतलब मोती बनी है कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी है ना उसमें अटक है और टूट जावे सुई इस मारे। और ये देखो जो रजनी की मौसी है ना, उसने मतलब बैग से थैले से बना रखी, उसमें कुछ भी स्टोर कर कर रख सके हमें, और चैन वैन सब कुछ लगा रखे हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बना रखा है, कलाकारी कसूती कर रखी है। और है ना मतलब हर चीज़ अच्छे तरीके से बनाओ, बड़ा बैग छोटा बैग मतलब किसा ही बना लो, मतलब है ना रजनी ने बताया करा, मतलब अकेली नहीं बैठी रहो, मतलब ठाली नहीं बैठी रहो, कुछ ना कुछ मतलब एक्टिविटी करे जावे हैं और कुछ ना कुछ बनाए जावे हैं इस करके। और ये भी एक क्लिप है हमारे पड़ोस की, और जो मेरी भाभी है वह दुकान करी है पड़ोस में, तो सूट वूट बेचे है भाई, और जो बच्चा के कपड़े हैं वह भी, बनियान जराब चुंदड़ी स्टोल वगैरह, तो मतलब इस टाइप की सारी चीज़ बेचे हैं। तो ये मैं इसके सूट दिखाने लग रही थी, मैं कहा कोई भाई हमारे गांव की हो मतलब पूरे की फतेहपुरी की हो, वीडियो देखती हो पसंद आ जाए तो भैया वरना लेकर धरवा लें, उनकी माँ खरीद ले जाओ, इसकी बिक्री हो जाओ और उनके सूट आ जावे, तो भी देख लो फटाफट किसने पसंद आवे हैं किसने नहीं आवे हैं। और इस बार बिंदनियों की थी नवीन ने दिखा दी पसंद आवे तो उससे कि मेरे कहीं से सुतरे सुतरे सूट ले रखे हैं बोली, तब फिर मैं कहा ठीक है वीडियो बना लूँगी दिखा लूँगी सब, तब बढ़िया मैंने ये सूट लागे थे। और रियोन स्लब का कपड़ा था इनका, मतलब जो फिरोजी यो मतलब आलू बुखारा सा कलर है इसका, लेकिन यो थोड़ा सा मतलब कटिया सा लग रहा है तो वापस कर दिया। और जो यो कपड़ा है ना, मतलब यो मैंने पिंक लिया है, और इतना मस्त कपड़ा है, इतना प्यारा कपड़ा है, मतलब यो कपड़ा तो यो भी बढ़िया है, लेकिन है ना इसके जो तार से है ना ये थोड़े से मैंने इसे लगा जो कर तो वही शरीर में चुभेंगे, और थोड़ी सी एलर्जी के कारण मैं पहन नहीं सकती, फिर चूट चूट खावें दे इन्हें तेज़ करके। और ये चुंदड़ी है, तो चुंदड़ी थी ये भी 100-100 की थी, बहुत बढ़िया चुंदड़ी है, कभी एक नंबर की। इनमें तभी मैंने दो सिलेक्ट करी हैं, एक तो या पिंक और एक येलो, ये दोनों ये सिलेक्ट करी हैं, तो हर चीज़ भी बढ़िया है, अगर पसंद आओ तो भाई जो भी देखे हैं वह मंगा भी इसको इन पर, मतलब जो गांव के हैं वह ऑनलाइन डिलीवरी तो भाई करे नहीं करे, लेकिन जो हमारे गांव के हैं अगर उनका पसंद आओ तो भाई अपने घर आ कह कर मंगा लियो इन पर। और ये और सूट है ये दिखाओ थी, तो देखो भाई तो मतलब तकरीबन न्यू लगा लो सारी चीज़ रख है, जितना भाई जो भी जरूरत का सौदा है अगर छोटी मोटी मतलब ये सारी चीज़ रख है, लेकिन जो ये कॉस्मेटिक का सौदा है चूड़ी चाड़ी सी वगैरह और बाकी जो भी चीज़ है वह तो रखती नहीं है, लेकिन ये ओढ़ पहन के ही सारी चीज़ रख है, तो अच्छे अच्छे सूट रख है, ज़्यादा नहीं लेकर आया अगर मतलब न्यू लगा लो 25-30 ले आई फिर वे बिक गए फिर और नए डिज़ाइन के लिए आई इस करके ने। और ये लेकर आ रही थी मतलब बच्चों के सेट, तो फिर मैं देखू थी जियो का तरमा का धक्का भाई कोई बढ़िया सा लाग जावे, तो सारा का कपड़ा मतलब ईद था हाल फिलहाल जो मीठी ठंड है ना, मतलब बिना स्वेटर के जो भी बनान के कपड़े हुआ करें तो इस टाइप के थे, और सारे मतलब बढ़िया थे, तो ज़्यादा नहीं लेकर आई थी, नहीं कहती भाई जड्डा का स्टॉक आओगे ना तो वो लेकर आऊँगी। फिर मैं आ गई थी भाई अपने घर, और रजनी धोने लग गई थी कपड़े, दोपहर का टाइम हो गया था, तो फिर अपने जो कपड़े हैं पानी सा आ रहा था, तो फिर भी आ गल गली ने धो धाकर सुखा देगी, फिर चोकर दो का जो बगड़ है उसने भी धो देगी। और बताओ खारा पानी हो रे का, तो
तो तकरीबन सारे नु काई सी लगी रवे है, उतरती है कोने, मतलब एक बतार लोगे फिर जो पानी है मतलब टपकेगा, जित भी लगेगा उड़े काई बन जाओगी। तो थोड़ा सा भाई जो भी खारा पानी हो उस वजह से ही हो जाओ है। और फिर शाम का टाइम है, ये दोनों सासबू दूध काटन लाग रही हैं, मतलब स्पेशल बुला कर लाई करते हैं और ये दूध काटन लाग रही हैं। और फिर ये पड़ोसन आ गई थी भाभी, तो ये भी निकल लिया, मैं भी लटक लियो हूँ, मैं भी दूध काट लियो। मैं कहा एक भैंस है, मैं कहा उसका है ना चार जने लाग जाओ, मैं कहा एक एक जन पकड़ लो और सारे निकाल दो। तो ऐसे मजाक सा हो रहा था, तो ये दोनों काट ले, देखो सुधी भैंस है, तनु भी को ना को ले भी लात वात मार है, तेरा दो जनी चपट रही है तो तू भई दूर हो ले, अट जा भाई लात मार दे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत शरीफ है, बहुत शरीफ है। तो अच्छे तरीके से भई दूध निकाल ले हनु, क्यों काट लो भई दोनों जनी मिलकर क्यों भी। और तीसरी थी या भी थोड़ी बहुत ताक में थी या कि मैं भी थोड़ा दूध है वो भी निकालो, लेकिन इसने आम ताक होना तो दूध लेना आग रहे भाभी। तो ऐसी मजाक से चल रहा था, मकानू कहते पानी मिलाओ है ये तो भाई दूध में प्योर दूध नहीं देते। तो वह बात है भाई, जिसा गुड़ गिरोगे उसे मीठी जो चाह है वाह होगी। तो भाई वह बात है, जिसा दूध दोगे उसे भाई पैसे मिलेंगे आपने, पैसे भाई किसी ने भूडे नहीं लागते, और दूध है वो बढ़िया देना चाहिए। कोई भी हो भाई अपने, अगर कोई मोल लेकर जावे है तो उसने भाई बढ़िया दूध देना चाहिए, पानी नहीं डालना चाहिए। और मारे जो मतलब सूखी बाल्टी में तो शायद कोई दूध नहीं निकालता होगा, एक गिलासी पानी तो सब गिर रहे हैं, एक गिलासी पानी सब गिर रहे हैं, क्योंकि सूखी बाल्टी में कदे भी धार नहीं मारनी चाहिए, बढ़िया नहीं होता। क्योंकि है ना भैंस जो की कह कर उसने नाट जाया करे, मतलब और तो मैं की कहूँ अलग भाषा होया करे नहीं की कुछ ऊक जाया करे कि मैंने कुछ और बोला करे मेरी मार तो वाह हो जाया करे। तो प्योर दूध दे मैं भाई यार, ये देखो ये डोली ढारी थे, मतलब जो थन धोन की होया करे ना इस तब इत पहले थन धोया कर दूसरे पानी ते, और फिर उसमें दूध कर डाला। तो बोली देखो कितना पानी ले रही है, पानी मिलाओ ये ते। मका ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी नहीं मान। तो इनका हंसी मजाक भी चल रहा था आपस में, तो ये बखरद रहा तो थोड़ा नीचे दाब दिया था, फिर मका इन बाद में रोड दूंगी, क्योंकि एक हाथ मेरा फ़ोन पकड़ रही थी मैं और फिर जियो आ गई थी। तो आज का व्लॉग इतना ही, उम्मीद है पसंद आओगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो, धन्यवाद भैया आप सबका।